हमारे चैनल पर जितने भी नए वीडियो अपलोड हैं उनकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। इस बेल आइकन यानी कि इस घंटी को आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो हमारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले और फ्री में पा सकते हैं। हम सभी इसराइल के नाम से परिचित है, लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर इसराइल के उसके दुश्मन देश क्यों डरते हैं? चारों तरफ से अब देशों से घिराव, इसराइल कभी भी किसी से मदद नहीं मांगता, बल्कि उसे दुश्मन खुद इसराइल से डरते हैं। आईएसआई जैसे खूंखार आतंकवादी संगठन भी इसराइल की धरती पर आज तक कदम नहीं रख पाया। जानते हैं क्यों? तो आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर इसराइल इतना शक्तिशाली क्यों है। इसराइल का जन्म तब हुआ जब हिटलर की तानाशाही से तंग आकर जर्मनी से यहूदी इसराइल पहुंचे। सन 1980 में इसराइल के सभी 7 अरब देशों ने इसराइल पर हमला कर दिया। तब बिना किसी सेना और हथियार होने के बावजूद इसराइल ने उस अरब देश को धूल चटा दिया। इसराइल के हर नागरिक को सेना में ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है, चाहे उसका लिंग कोई भी हो। इसराइल सभी दुश्मन देशों से घिरा होने के बावजूद आज इतना सुरक्षित इसलिए है कि क्योंकि उसके पास दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एंटीबैटिक मिसाइल प्रणाली मौजूद है। आइए अब आपको बताते हैं कि इसराइल के बारे में कुछ और रोचक तत्व। सभी मुस्लिम देश इसराइल से इतनी नफरत करते हैं क्योंकि इसराइल दुनिया का एकमात्र यहूदी देश है। इसराइल की पॉलिसी है कि दुनिया में कहीं भी कभी भी यहूदी है तो वह अपने आप में इसराइल नागरिक बन जाता है। यही सन 1972 में जर्मनी की म्यूनिक शहर में आयोजित समर ओलंपिक्स में आतंकवादियों ने 12 इसराइली खिलाड़ियों की हत्या कर दी थी। तब तत्कालीन इसराइल प्रधान मंत्री ने इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को आदेश दिया कि उस घटना में मारे खिलाड़ियों को जिस आतंकवादी ने मारा है वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो उसे मौत के घाट उतार दिया जाए। अगले 10 दिनों में इसराइल ने एक कर दिखाया। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान, इसके पासपोर्ट में ये साफ साफ लिखा होता है कि ये पासपोर्ट दुनिया के हर जगह के लिए है सिवाय इसराइल के। है ना यह अचंभे भी डाल देने वाली बात। इसराइल की मातृभाषा हिब्रू के बारे में कहा जाता है कि ये भाषा बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थी, मगर जब इसराइल बना तब इसराइल के पहले प्रधानमंत्री ने न सिर्फ इसराइल की आधिकारिक भाषा हिब्रू की बल्कि इसराइली नोटों पर भी हिब्रू भाषा का इस्तेमाल किया है।